हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन तो आज हम करेंगे एलैंथ क्लास की हॉर्नबिल बुक की पॉम द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन सो द पॉम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन हु इज़ एन अमेरिकन पॉइट वाज बोर्न इन 1819 एंड डाइड इन 1892 ही हैज बीन अ ग्रेट पॉइट एंड अ एसेइस्ट एंड ए नॉवेलिस्ट लेट अस स्टार्ट द पॉम सो इट्स अ नेचर पॉम एज वी गेट टू नो इट बाय इट्स टाइटल द वॉइस ऑफ द रेन एंड इन दिस पॉम देर इज़ एन इमेजनरी डायलॉग बिटवीन द पॉइट एंड द रेन इस पॉम के अंदर क्या है एक इमेजनरी डायलॉग है पॉइट के बीच में और रेन के बीच में एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइटल ऑफ द पाम द वॉइस ऑफ द रेन एक चीज़ और हमें पता चलती है कि रेन की जो है वो वॉइस नहीं होती क्योंकि वॉइस किस की होती है ह्यूमन बींग्स की होती है या लिविंग बीग्स की वॉइस होती है ना कि रेन की तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेन जो है वो इस पॉम के अंदर परसोनीफाइड है Rain की हमेशा नॉइज होती है ना कि वॉइस होती है क्वेश्चन एंड टेल्स अबाउट इट्स बर्थ एंड एंड तो इसमें होता क्या है इमेजिनरी डायलॉग है जैसे कि मैंने आपको बताया पॉइट और रेन के बीच में सो so पॉइंट जो है वो कैजुअली रेन से पूछ लेते हैं कि वो कौन है और सरप्राइज्ड फील करते हैं ये बताने में कि रेन जो है वो उनके सभी क्वेश्चन के आंसर करती है जो भी वो उनसे पूछते हैं और उन्हें बताती है अपने बर्थ और एंड के बारे में तो पॉइंट जो है वो उनकी सभी आंसर्स को समझते हैं और अपने रीडर्स के लिए ट्रांसलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस पॉम द वॉइस ऑफ द रेन सो अस स्टार्ट द पॉम एंड हु आर दउ सेट आई टू दॉफ्ट फॉलिंग शावर तो पॉइंट कहते हैं कि मैं रेन से पूछता हूँ कि वो कौन है विच स्ट्रेंज टू टेल gave मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड और वो कहते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रेंज है ये बोलना ये बताना कि जो क्वेश्चन मैंने उससे रेन से किया था उसका वो मुझे आंसर मिलता है रेन से और पोइट उसे यहाँ पर ट्रांसलेट करते हैं आई एम द पॉम ऑफ अर्थ सेट द वॉइस ऑफ द रेन मीन्स रेन यहाँ पर कहती है कि मैं अर्थ की पॉम हूँ या अर्थ का सॉन्ग हूँ एटर्नल आई राइज impalpable आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी सो हेयर इज़ टेलिंग अबाउट इट्स बर्थ वो कहती है कि वो एक कॉन्टीन्यूस मैनर में वो धरती और डीप सी से ऊपर उठती है इनविजिबली इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स अपवर टू हेवन वेगली फॉर्म्ड ऑल टूगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम मीन्स देन इट मूव्स अपवर टूवर्ड्स द स्काई वेर इट चेंजेस इट्स फॉर्म इन क्लाउड्स मतलब फिर वो वहाँ से ऊपर उठती है स्काई की तरफ और उड्स की फॉर्म ले लेती है ऑल टूगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम मीन्स इट चेंजेस इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक वेपर्स एंड कंडें वाटर ड्रॉपलेट्स और क्लाउड्स बट रिमेन्स इन द सेम फॉर्म दैट इज़ द लिक्विड फॉर्म मतलब जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है राइट फ्रॉम द बॉटम लेस सी और द लैंड तो वो काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स में वो रहती है जैसे कि वो वेपर्स होती है जब वो समुद्र से उठती है या लैंड से उठती है तो इटेज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स दैन इट कंडेंसेज इन् टू वाटर ड्रॉपलेट्स और क्लाउड्स फिर उसके बाद वो फिर कंडेंस होकर दूसरी फॉर्म में आ जाती है या क्लाउड्स की फॉर्म में आ जाती है बट इट रिमेन्स इन द सेम फॉर्म दैट इज़ द लिक्विड फॉर्म एट लास्ट जो है वो अपनी सेम फॉर्म में जो है वो रहती है और दैट इज़ द लिक्विड फॉर्म मतलब इतनी सारी फॉर्म्स में चेंज होने के बावजूद भी वो अपनी बेसिक फॉर्म जो है वो नहीं खोती है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहती है देन इन द नेक्स्ट लाइन इट सेज

एंड फिर वो कहती है एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न और रेन कहती है कि सीड्स जो हैं वो सीड्स ही रहते हैं मेरे बिना या पानी के बिना हिडन एंड अनबॉर्न क्योंकि सीड्स को भी प्लांट बनने के लिए पानी की जरूरत होती है रेन की ज़रूरत होती है एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ऑरिजन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट सो रेन उन्हीं जगहों को जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है उन्हें लाइफ प्रोवाइड करती है वाटर प्रोवाइड करती है एंड वी नो दैट वाटर इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ पानी ही जीवन का आधार है और बिन पानी तो सब सुन ही रहता है और रेन जो है वो धरती की सुंदरता और उसकी प्योरिटी बनाए रखने के लिए अपनी लाइफ साइकिल जो है उसे निरंतर ही बनाए रखती है नाउ लाइन्स इन द ब्रैकेट फॉर सॉन्ग इशूंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिल्मेंट वेनरिंग रैगड और अनरैग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स तो रेंज जो है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है वी नो दैट एंड जहाँ से उसका ओरिजिन होता है वहाँ वो एक प्रोसेस के बाद वापस लौट कर वहीं आती है टू फुलफ़िल इट्स नीड्स टू फुलफ़िल द नीड्स ऑफ द अर्थ और वही उसका ओरिजिन होता है जैसे एक सॉन्ग होता है इट इकोज एवरीवेयर एंड कम्स बैक टू द सिंगर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म विद लव जैसे कि एक सॉन्ग होता है वो जब एक सिंगर उसको गाता है तो वो हर जगह इको होता है चाहे फिर उसको कोई नोटिस करे या ना करे चाहे उसको कोई सुने या ना सुने बट इट कम्स बैक टू द सिंगर वो वापस लौट कर सिंगर के पास ही आ जाता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है एंड इट रिटर्न विद लव जैसे कि रेन वापस अपनी उसी जगह पर आ जाती है जहाँ से उसका ओरिजिन होता है एंड दीज आर द लिटरेट डिवाइस यूज इन द दाम परसोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है मेटाफोर का यूज़ हुआ है हाइपरबली का यूज़ हुआ है एंड इमेजरी का यूज़ हुआ है